दोस्तों, OYV में हल्विंग एंड स्टैकिंग का अपडेट आ चुका है। स्टैकिंग और हल्विंग लाइव हो चुका है। तो आप सब ने यहाँ पर माइनिंग किया और आपको विड्रॉल भी मिल चुका होगा। 19 दिसंबर को इसका लिस्टिंग हो चुका है। पहले राउंड में सभी लोगों को उनका विड्रॉल मिल चुका है। बस कुछ लोगों का सस्पेंड हुआ है या फिर कुछ लोगों का प्रोसेसिंग में शो हो रहा है, तो वो सब भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ किस वजह से ये सब हुआ है और इसका विड्रॉल आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले इस तरीके से आपको मैसेज शो हो रहा हो, क्रिप्टो डिपॉजिट प्रोसेसिंग, OYV टीम ने आपका विड्रॉल कर दिया है, अभी नेटवर्क कंफर्मेशन हो रहा है, उसके बाद आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट है जो हमारे दोस्त ने शेयर किया है, क्रिप्टो डिपॉजिट प्रोसेसिंग, और यहाँ पर लिखा है वी विल क्रेडिट योर अकाउंट वंस कन्फर्म बाय द नेटवर्क। तो आपका नेटवर्क कन्फर्मेशन होना बाकी है, इस वजह से ऐसा मैसेज शो हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ये कन्फर्म हो जाएगा, आपके वॉलेट में OYV टोकन आपको मिल जाएंगे। अब कुछ दोस्तों को ऐसा मैसेज देखने को मिल रहा है, डिपॉजिट नेटवर्क OYV और डिपॉजिट सस्पेंडेड, इस तरीके से शो हो रहा है। तो मैसेज में ये लिखा है द वॉलेट इज़ अंडर मेंटेनेंस, इंक्रीज सिक्योरिटी टू कंटिन्यू योर डिपॉजिट, प्लीज़ वेट पेशेंटली अनटिल द सिक्योरिटी रिज्यूम्स। तो इसका मतलब ये होता है कि OYV टीम ने आपका डिपॉजिट है वो आपके वॉलेट में कर दिया है, लेकिन OKX एक्सचेंज है उनको आपका जो वॉलेट है वो थोड़ा सस्पेशियस लग रहा है, इस वजह से इन्होंने आपका डिपॉजिट सस्पेंडेड रखा है और आपको आपके टोकन नहीं मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकते हैं, आपका KYC सक्सेस नहीं हुआ होगा तो अब आपको ऐसा मैसेज देखने को मिलता होगा, या फिर OKX एक्सचेंज है वो कोई मेंटेनेंस कर रहे होंगे। तो ये दो कंडीशन हो सकती है। एस्टिमेटेड रिज्यूम टाइम 25/12/2023, तो इतने वक्त तक आपको वेट कर लेना है, और यहाँ पर टाइम वगैरह भी दिया है। अगर ये वक्त और ये टाइम हो जाए उसके बाद भी आपको विड्रॉल ना मिले, तो फिर आप OKX एक्सचेंज का कस्टमर सपोर्ट है वहाँ पर एक मेल कर सकते हो। अब एक और दोस्त है जिनको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी देख लो OYV आर्बिट्रम वन सस्पेंडेड, तो इनको भी 25 दिसंबर का वक्त दिया हुआ है, तो आपको भी 25 दिसंबर तक वेट कर लेना है, उसके बाद आपको भी विड्रॉल मिल जाएगा। तो कुछ दोस्तों को ये प्रॉब्लम आ रहा है डिपॉजिट सस्पेंडेड, तो मैंने जो दो रीज़न बताए वो दो रीज़न ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक और दोस्त है, योर OYV इज़ डिलेड, वी नोटिस दैट यू आर वेटिंग अ ट्रांसफ़र ऑफ 212 OYV। तो इन दोस्त का भी सस्पेंड हो चुका है, तो जो इन्होंने टाइम दिया है वहाँ तक आप वेट कर लें, अगर उसके बाद भी ना हो तो OKX की टीम है उसको कांटेक्ट कर लेना। दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट है OYV वर्ल्ड, OYV हल्विंग लाइव। सो इनका हल्विंग लाइव हो चुका है, तो आप माइनिंग को क्लेम कर रहे होंगे तो आपको कल से ही पता चल चुका होगा। वैसे तो ये कल से हल्विंग स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आज इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है, एक्साइटिंग डेवलपमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ OYV, आवर हल्विंग इवेंट इज़ करंटली इन प्रोग्रेस एंड हियर द डिटेल्स। तो हल्विंग स्टार्ट हो चुका है और कुछ और डिटेल यहाँ पर दी है, सोल पावर बूस्ट टेम्पररीली सस्पेंडेड, तो जो हमारा पावर इंक्रीज होता था वो भी सस्पेंड हो चुका है, तो कुछ वक्त के लिए हमारा जो सोल पावर इंक्रीज होता था वो बंद रखेंगे। तो जो हल्विंग हुआ है वो यहाँ पर हुआ है, आपका जो भी माइनिंग अमाउंट था वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था उसका आधा हो चुका है, ठीक है। तो कौन सा पावर सस्पेंड हुआ है वो भी देख लो, द सोल पावर बूस्ट फॉर जेनेसिस होल्डर्स एंड अदर इवेंट पार्टिसिपेंट्स हैज़ बीन पुट ऑन होल्ड। तो जिनके पास जेनेसिस NFT थी उनका जो सोल पावर था यानी अकेले का जो पावर इंक्रीज हो रहा था वो भी इन्होंने टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया है, और जो दूसरे इवेंट में पार्टिसिपेट किया था वहाँ से जो माइनिंग का पावर मिलता था वो भी सस्पेंड कर दिया है, पेविंग द वे फॉर अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो और ज़्यादा ये लोग आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आपका जो माइनिंग पावर है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करना है, तो आप ये मैजिक कोड और गिफ्ट बॉक्स कोड है उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये सब आपको टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। कल भी मैंने शेयर किया था, तो यहाँ पर सिर्फ एक बंदा बाकी है, यहाँ पर दो बंदे बाकी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से आपका माइनिंग का पावर है उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। दोस्तों, अब है स्टैकिंग की अपडेट, स्टैकिंग ऑन द होरिजोन, वी आर गियरिंग अप फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैकिंग। तो ये लोग बहुत ही जल्द हमको स्टैकिंग के बारे में भी इंस्ट्रक्शन देंगे, ऑफरिंग न्यू एवेन्यूज टू एंगेज विथ अवर डीप इन इकोसिस्टम। तो दोस्तों, डीप इन करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है और वहाँ पर शायद हमारा स्टैकिंग भी होगा। OYV इज़ अ पायनियर इन द डीप इन रिवोल्यूशन एंड दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो दोस्तों, डीप इन के साथ इनका जो पार्टनरशिप है और डीप इन में हम स्टैकिंग करेंगे वो सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग कहा है, यानी अब और ज़्यादा यानी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए आगे भी आने वाली है। स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर अपडेट्स, ठीक है। तो ये लोग और ज़्यादा अपडेट हमको देते रहेंगे। अब कुछ बातें हैं उसको आपको याद रख लेना है कि बहुत सारे दोस्तों का जो विड्रॉल है वो फर्स्ट राउंड में फर्स्ट टाइम विड्रॉल मिल चुका है, तो उन्होंने ट्रेडिंग भी कर लिया होगा।
अब साथ में फर्स्ट राउंड में ही सेकंड टाइम हम सबको विड्रॉल मिलेगा, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम विड्रॉल मिला है वो 100% विड्रॉल नहीं मिला है, यानी कि जो 15% 22% और 30% विड्रॉल लेने के लिए कहा था वो पूरा विड्रॉल नहीं मिला है। तो अब जो 15% का पूरा विड्रॉल है वो सब हमको मिल जाएगा और 22% और 30% वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो 18 महीने में यानी 1.5 साल में हर महीने हमको विड्रॉल मिलता ही रहेगा, तो उसको हम विड्रॉ करके ट्रेडिंग भी कर सकते हैं या फिर स्टैकिंग वगैरह में भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये नई अपडेट थी हालविंग एंड स्टैकिंग की और विड्रॉल्स की। तो ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चले मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई अर्निंग के अपॉर्चुनिटी के साथ और एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप माइनिंग एंड कीप अर्निंग।